महाराष्ट्र के जालना में पुलिस वालों का एक शख्स की पिटाई करने का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। वीडियो 2 महीने पुराना बताया जा रहा है, जिसमें कई पुलिस वाले मिलकर एक आदमी को बेरहमी से पीटते दिखे। जबकि ये वीडियो किसी पुलिस चौकी या थाने का नहीं बल्कि एक अस्पताल का है। कम से कम आधा दर्जन पुलिस वाले एक अकेले और निहत्थे आदमी पर डंडे बरसाते रहे, जबकि वो हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा। आसपास जितने भी पुलिस वाले मौजूद थे वो सब एक एक कर इस आदमी पर कभी लात, कभी थप्पड़ तो कभी डंडे बरसाते रहे। 2 लोग तो सादी वर्दी में थे, लेकिन माना जा रहा है कि ये भी पुलिसकर्मी ही थे जिन्होंने डंडे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दर्द के मारे वो कराहता रहा, पुलिस वालों की मिन्नतें करता रहा, लेकिन किसी को भी रहम नहीं आया। पुलिस वाले इस कदर गुस्से में थे कि महज 1.25 मिनट के वीडियो में ही इस आदमी को करीब 50 डंडे मारे गए। लात और थप्पड़ों की गिनती अलग। बताया जा रहा है कि एक मरीज की मौत के बाद भड़के उसके परिवार वालों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की थी और हालात संभालने के लिए आए पुलिस वालों के हाथ ही आदमी लग गया था। सौभाग्य की बात यह कि किसी भी राज्य में पुलिस की ड्यूटी कानून का राज कायम करने की है और उसके लिए डंडा चलाने का अधिकार तब है जब हालात संभालने के लिए और कोई चारा ना बचे। लेकिन ज्यादातर पुलिस वाले आरोपी को पकड़ने के बाद खुद ही सजा देते समय भूल जाते हैं कि ऐसा करने से उनमें और गुंडों में फर्क मिट जाता है। गुजरात सरकार ने ब्लैक फंगस के मरीजों से जुड़े जो आंकड़े जारी किए उनमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। न्यूज 18 के जनक दवे की रिपोर्ट है कि गुजरात सरकार के आंकड़ों ने फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर ब्लैक फंगस होता कैसे है, क्योंकि अब तक स्टेरॉयड्स और का ज्यादा इस्तेमाल और डायबिटीज की बीमारी को ही इसका कारण माना जा रहा है। अब तक ये बात सामने आई थी कि ब्लैक फंगस कोरोना से ठीक हो चुके उन लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है जिन्हें पहले से डायबिटीज की बीमारी या फिर जिन्हें कोरोना के इलाज के दौरान ज्यादा मात्रा में स्टेरॉयड दिया। लेकिन गुजरात सरकार ने जो आंकड़े जारी किए उनमें ब्लैक फंगस के 50% ऐसे मरीज शामिल हैं जिन्होंने इलाज के दौरान स्टेरॉयड्स लिया ही नहीं था, और ब्लैक फंगस के 40% से ज्यादा मरीज ऐसे हैं जिन्हें डायबिटीज की बीमारी भी नहीं। कुछ डॉक्टरों ने आशंका जताई कि ऐसे लोगों में ब्लैक फंगस का कारण ज्यादा मात्रा में भाप लेना भी हो सकता है। दिल्ली में पालतू कुत्ते को गुब्बारों के सहारे आसमान में उड़ाने के आरोपी गौरव शर्मा को जमानत मिल गई। आरोप है कि उसने अपने YouTube चैनल के लिए कुत्ते को हवा में उड़ाने का वीडियो बनाया, जिसके वायरल होते ही विवाद हो गया, क्योंकि इसमें गौरव शर्मा अपने पालतू कुत्ते को गैस वाले गुब्बारों के साथ उड़ाता नजर आया। 3, 2, 1 जिस पर पीपल फॉर एनिमल्स नाम की संस्था ने आपत्ति जताई और उसके खिलाफ केस दर्ज करा दिया। गौरव शर्मा पर आरोप है कि उसने अपने YouTube चैनल पर लाइक्स पाने और वीडियो वायरल कराने के लिए कुत्ते को परेशान किया। वायरल वीडियो में साफ दिखा कि उसने पहले कुछ गैस वाले गुब्बारे बांधकर कुत्ते को हवा में उड़ाने की कोशिश की, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसने गुब्बारे बढ़ा दिए। इसमें 2 गुब्बारे और बांध दे और डॉलर हमारा फाइनल उड़ रहा है अभी देखना है, उड़ता है, मम्मी जादू दिखाएं आप लोगों को। यही नहीं, उसने ये हरकत पहले एक दुकान के अंदर की और बाद में अपने वीडियो को बेहतर बनाने के चक्कर में पार्क में पहुंच गया, जहां उसने अपनी माँ के साथ मिलकर कुत्ते को उड़ाने के अलग अलग तरीके आजमाए। अभी आप धीरे धीरे करके छोड़ना और फिर ये उड़ेगा। बैलेंस बना। एक बार तो वो एक गाड़ी पर चढ़ गया और वहां से कुत्ते को हवा में छोड़ दिया, जिसके बाद वो उड़ने लगा और पहले एक बालकनी से फिर दूसरी बालकनी से टकरा गया। जिस समय गौरव हंसते हुए ये मनमानी कर रहा था, कुत्ता भौंक रहा था, जिससे उसकी घबराहट का अंदाजा लगा। इस वीडियो की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने गौरव शर्मा को जानवरों पर अत्याचार करने समेत कई धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया। जो व्यक्ति उस वीडियो में था, गौरव शर्मा, 27-year-old यूट्यूबर, has been arrested। हालांकि बाद में उसे दिल्ली के मालवीय नगर थाने से ही जमानत मिल गई। जांच के दौरान पता चला कि ये वीडियो 21 मई को बनाया गया था। सौभाग्य की बात यह कि सोशल मीडिया पर वायरल होने या फिर पैसे कमाने के लिए कुछ लोग अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। फिर ये तो बेजुबान था, और ऐसे लोगों को बढ़ावा भी हम लोग ही देते हैं, क्योंकि अपने पालतू कुत्ते को हवा में उड़ाने से 2 हफ्ते पहले आरोपी युवक ने कुछ और लोगों के पालतू कुत्तों के साथ तैराकी का मुकाबला कराया था और उस वीडियो को 10 लाख से ज्यादा लोगों ने देखकर उसका मन बढ़ा दिया। जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की नई साजिश सामने आई। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि ISI की सरपरस्ती में तैयब फारूक नाम का आतंकी रावलपिंडी में बैठकर जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नई फौज तैयार कर रहा है। साथ ही हथियारों की सप्लाई और आतंकी फंडिंग के काम में ISI इस आतंकी का साथ दे रही।
सूत्रों के मुताबिक ये आतंकी जम्मू कश्मीर के कई जिलों में आतंकियों की भर्ती के लिए अपना नेटवर्क बना चुका है और इस काम के लिए वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी भनक लगते ही सुरक्षा एजेंसियां भी इसके मंसूबों को नाकाम करने के लिए अलर्ट हो गई। बिहार के भागलपुर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां लॉकडाउन का पालन करवाने निकले एएसपी ने अपनी पिस्तौल ले रहे। एएसपी वहां सादी वर्दी में पहुंचे और इलाके के लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। आरोप है कि इसी बीच कुछ लड़कों ने उनसे बदसलूकी की कोशिश भी की, जिसके बाद एएसपी ने अपनी पिस्तौल निकाली और हुड़दंग करने वाले लड़कों को वहां से भगा दिया। इसके बाद वो आगे बढ़े तो उन्हें ड्यूटी पर तैनात कुछ पुलिसकर्मी आराम करते दिखे। वो पुलिसकर्मी भी एएसपी को नहीं पहचान पाए और उन्हें एक ने पुलिस अधिकारी से बहस शुरू कर दी। जब एएसपी ने अपनी पहचान बताई तो उस पुलिसकर्मी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। पता है किससे बात कर रहा है? एएसपी पूरन झा बोल रहा हूं। ड्यूटी पर मुस्तैद न रहने पर एएसपी पूरन झा ने उस पुलिसकर्मी को जमकर फटकार लगाई। पैसा मिलता है कि नहीं मिलता वर्दी का? वर्दी पहनने में शर्म आ रहा है तुम लोगों को? काफी देर तक चली बहस के बाद पुलिस अधिकारी ने उस पुलिसकर्मी को चेतावनी दे डाली। रिपोर्ट तो देख, मैं वैसे भी करूंगा, मेरे रिपोर्ट में भी तू सस्पेंड हो जाएगा, जानता है ना इतना। इसके बाद एएसपी वहां से मोटरसाइकिल पर सवार होकर बाकी इलाकों के दौरे पर निकल गए। सौभाग्य की बात थी कि आम लोगों का पाला जमीन पर कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस वालों से ही पड़ता है, जिनका रवैया भागलपुर क्या पूरे देश में ऐसा ही रहता है। और यहां तो पुलिस वाले ने यह भी नहीं देखा कि उससे पूछताछ करने वाले आदमी के साथ कैमरा भी चल रहा है। दिल्ली में व्हाइट फंगस से एक महिला मरीज की छोटी और बड़ी आंत को काफी नुकसान पहुंचा। दावा है कि दुनिया में इस तरह का यह पहला मामला है। न्यूज 18 की प्रियंका कांडपाल की रिपोर्ट है कि गंगाराम अस्पताल में भर्ती इस महिला की आंतों में व्हाइट फंगस से कई छेद हो गए। 49 साल की इस महिला को अस्पताल में इमरजेंसी में लाया गया था, जिसके बाद उसकी सर्जरी की गई तो पता चला कि व्हाइट फंगस उसकी छोटी और बड़ी आंतों को काफी नुकसान पहुंचा चुका है। बताया गया कि कोरोना के बाद उस महिला के शरीर में एंटीबॉडी का लेवल भी बहुत ज्यादा था, इसके बावजूद व्हाइट फंगस से उसके शरीर को काफी नुकसान पहुंचा। बंगाल की खाड़ी से उठे यास तूफान का असर दूसरे दिन भी झारखंड के कई जिलों में देखने को मिला। झारखंड की राजधानी रांची में तो यास तूफान की वजह से हुई बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए और वहां के कुछ इलाकों में पानी सैलाब बनकर बहता नजर आया। इस सैलाब में वहां के कई रास्ते भी डूब गए। 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई जो जरूरी काम की वजह से अपने घरों से बाहर निकले। एक तो कोरोना का मार, ऊपर से ये तूफान का मार, जीवन तो अस्त व्यस्त हो गया। बेघर लोगों के लिए भी ये बारिश मुसीबत बनकर आई। कई लोग वहाँ बंद पड़ी दुकानों के आगे बैठकर खुद को बारिश से बचाने की कोशिश करते दिखे। रांची के अलावा गुमला में भी यास तूफान की वजह से अच्छी खासी बारिश हुई। वहाँ किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए NDRF की टीमों को भी तैनात कर दिया गया। जिस भी तरह की आपदा आई है, लोगों को उस आपदा से मुक्त करेंगे। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक झारखंड के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की। झारखंड के अलावा चक्रवाती तूफान यास का असर बिहार के कई शहरों में भी देखने को मिला। बंगाल की खाड़ी से उठा यह तूफान एक दिन पहले उड़ीसा में तट से टकराया था, लेकिन तूफान की वजह से बिहार के कई इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मुजफ्फरपुर में तो एक परिवार पर यह मौसम कहर बनकर टूटा। तेज हवाओं और बारिश की वजह से सड़क पर लगा एक पेड़ उनके मकान पर जा गिरा। जिस वक्त यह हादसा हुआ तब वहाँ एक लड़का और उसकी माँ मौजूद थे, जो जैसे तैसे जान बचाकर वहाँ से भागे। पूरा गिर गया घर, अब हम लोग रहेंगे कहाँ पे? इस परिवार को जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने भरोसा दिया कि इस मुश्किल वक्त में उनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। जो आपदा के तहत दे सुविधा होगा ये उनको दिया जाएगा। तूफान के बाद राजधानी पटना में भी घरों से बाहर निकले लोगों को बारिश का सामना करना पड़ा। कुछ ने भीगने से बचने के लिए छातों का सहारा लिया तो कुछ छज्जों के नीचे खड़े होकर सिर छिपाते नजर आए। इस बीच मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि ज्यादातर जगहों पर अगले 48 घंटे ऐसा ही माहौल बना रहेगा। पूरे राज्य में सिर्फ हल्के से मध्यम स्तर की बारिश होगी। जो हवा की गति है वो अधिकतम 50 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। तूफान का खौफ बेगूसराय में भी दिखाई दिया। वहाँ कई जगहों पर बड़े बड़े पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गए। एक जगह तो पेड़ गिरने से जैम लग गया। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग काफी देर तक वहाँ फंसे रहे। सौभाग्य की एक बात है कि बिहार और झारखंड में अगले 24 घंटे तक 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली आंधी और मूसलाधार बारिश हो सकती है, जिसको झेलने के लिए सबको तैयार रहना होगा। और मौसम विभाग ने ऐसा ही अलर्ट पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भी जारी किया है, जहां कुछ जगहों पर भारी बारिश अगले 24 घंटे में हो सकती है। व्हाट्सएप के बाद ट्विटर ने भी केंद्र की नई सोशल मीडिया नीति पर सवाल खड़े कर दिए। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि ट्विटर इंडिया ने एक बयान जारी कर भारत सरकार की नई सोशल मीडिया नीति पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे लोगों की निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया। हालांकि सोशल मीडिया से जुड़े जो नए नियम लागू हुए हैं, ट्विटर उन्हें मानने को भी तैयार है।
इसके अलावा ट्विटर ने अपने कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर भी चिंता जताई। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि ट्विटर का बयान निराधार है, उसकी नीतियां भी पारदर्शी नहीं। साथ ही सरकार ने ट्विटर इंडिया को भरोसा दिया कि उसके सारे कर्मचारी पूरी तरह सुरक्षित हैं और वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर सवाल उठाना बंद करें। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस पर हाथ पैर में कील ठोकने का आरोप लगाने वाले एक शख्स ने अपने बयान से वो पलट गया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने बताया कि इस आदमी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए झूठ बोला था और खुद ही ये हरकत की थी। इससे पहले इस शख्स ने पुलिस पर आरोप लगाया कि मास्क न पहनने पर उसे खूब पीटा गया और उसके हाथ और पैर में कील ठोक दी गई। उसने रो रो कर खूब ड्रामा किया और अपने हाथ और पैर में लगी कीलें दिखाई। यही नहीं, उसकी माँ तो उसे लेकर एएसपी के दफ्तर पहुंच गई, जहाँ उसने अपनी इस हालत के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। सर कील ठोकी है, बहुत बुरी जगह थे और कान में पर्दा ही फाड़ दिया है। जिसके बाद इस शख्स को अस्पताल भेजा गया, लेकिन कुछ घंटों के अंदर ही पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जांच में पता चला कि इस समय जिस शख्स के हाथ और पैर में कीलें दिख रही हैं, वो दो दिन पहले बिना मास्क के घूम रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उस पर केस दर्ज किया और इसी वजह से उसने ये सारा नाटक किया ताकि वो गिरफ्तारी से बच जाए। उसके द्वारा स्वयं ये घटना कारित की गई थी जिससे कि वो पुलिस की गिरफ्तारी से बच जाए। पुलिस ने उसका एक वीडियो भी जारी किया जिसमें बयान से पलटते हुए उसने ये कबूला कि उसने अपने हाथ पैर में खुद कीलें ठोकी। कील किस चीज से ठोकी तुमने? हथौड़ी साहब। तो तुम ये मानते हो तुमने जो ये किया गलत किया? जी। इस शख्स पर 2019 में भी एक केस दर्ज किया गया था और इस बार मास्क न पहनने पर उस पर दूसरा केस दर्ज किया गया है। सो बात की बात है कि जाहिलपन की इससे बड़ी मिसाल कुछ नहीं हो सकती कि मास्क लगाने से बचने के लिए कोई अपने हाथों में कील ठोक डाले और खुद को शातिर समझने वाले इस सनकी को यह भी समझ में नहीं आया कि मास्क न लगाने की जो सजा कानून देता है उससे ज्यादा कड़ी सजा उसने खुद को दे दी। एंटीगा एंड बारबुडा से अचानक लापता हुए पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी का पता चल गया। न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि आरोपी मेहुल चोकसी को कैरिबियाई देश डोमिनिका में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी जानकारी लगते ही एंटीगा एंड बारबुडा पुलिस ने डोमिनिका की एजेंसियों से फौरन संपर्क किया। इसके बाद भारतीय एजेंसियों ने भी मेहुल चोकसी को भारत लाने की तैयारी तेज कर दी और ऐसी खबर है कि अगर कोई कानूनी अड़चन ना आई तो इस हीरा कारोबारी को अगले 48 घंटों में भारत भेजा जा सकता है। इससे पहले 23 मई को मेहुल चोकसी के एंटीगा एंड बारबुडा से अचानक लापता होने की खबर सामने आई थी। बैंक धोखाधड़ी के आरोपी मेहुल चोकसी 2018 में देश छोड़कर भागे थे और उन्होंने एंटीगा एंड बारबुडा की नागरिकता हासिल कर ली थी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी लॉकडाउन की निगरानी के लिए ड्रोन की तैनाती कर दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी दौरे के दौरान अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए थे, जिसके बाद इस ड्रोन को कोरोना से लड़ाई में तैनात कर दिया गया। इस ड्रोन में एक ताकतवर कैमरे के अलावा एक लाउडस्पीकर भी लगा है जिसकी मदद से लोगों को जागरूक किया जा सकता है। सामने आई तस्वीरों में ये ड्रोन लोगों को कोरोना नियमों के पालन की हिदायत देता नजर आया। बताया गया कि इस ड्रोन को शहरी इलाके के साथ ग्रामीण इलाकों में भी उड़ाया जाएगा, जिससे वहां रहने वाले लोगों को कोरोना से जुड़ी जानकारी तो मिलेंगी ही, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी की जा सकेगी। इस ड्रोन का ट्रायल कामयाब होने के बाद जल्द ही ऐसे कई और ड्रोन तैनात किए जाने की भी तैयारी है। सो बात की एक बात यह कि कोरोना कर्फ्यू में मनमानी करने वालों की नकेल कसने के लिए ड्रोन से निगरानी का प्रयोग पिछले महीने हुआ था जो कारगर रहा, जिसके बाद यूपी में गंगा में शव बहाने या दफनाने वालों पर भी ड्रोन कैमरे से नजर रखने का फैसला किया गया और अब उसी का दायरा बढ़ाते हुए लापरवाही से बाज नहीं आने वालों की निगरानी के लिए भी कैमरे वाले ड्रोन तैनात कर दिए गए। उत्तराखंड के रुद्रपुर से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कोरोना मरीजों का मनोबल बढ़ाने के लिए अस्पताल के कुछ कर्मचारियों ने उनके साथ मिलकर डांस किया। बताया गया कि इस महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहे कई मरीज काफी तनाव में हैं और उनकी इसी घबराहट को दूर करने के लिए डॉक्टरों और नर्सों ने डांस का सहारा लिया। सामने आए वीडियो में कोरोना वार्ड में अस्पताल के कर्मचारी पीपीई किट पहनकर डांस करते दिखाई दिए। उनकी इस पहल का असर भी दिखा और मरीज भी संगीत की धुन पर उनका साथ देते नजर आए। थोड़ी देर में इस वार्ड का माहौल बदल गया। कोरोना से जूझ रहे सभी मरीज अपनी बीमारी भूलकर झूमने लगे। वहां भर्ती एक बुजुर्ग तो बेड से उतरकर नाचते दिखे। अस्पताल के कर्मचारियों ने एक एक मरीज के पास जाकर उनके साथ डांस किया। सौ बात की बात यह कि मामूली या मध्यम लक्षण वाले कोरोना मरीजों को महामारी से ज्यादा उसका खौफ सता रहा है और मानसिक तनाव में वो कई बार डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों से भी उलझ जाते हैं। लिहाजा बहुत से अस्पतालों में अब डॉक्टर और नर्स
डांस करके माहौल को हल्का फुल्का बनाने की कोशिश में जुटे हैं, क्योंकि महामारी से लड़ने के लिए मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों दोनों का मन से शांत और मजबूत होना जरूरी है। दिल्ली के पास गाजियाबाद में अपनी साथी की पिटाई पर सफाई कर्मचारी भड़क गए और उन्होंने पुलिस चौकी के सामने कूड़े का ढेर लगा दिया। आरोप है कि एक पुलिस वाले ने एक सफाई कर्मचारी को लंच करते समय पीट दिया, जिसके बारे में पता चलते ही सफाई कर्मचारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने आओ देखा ना ताओ पुलिस चौकी के सामने कूड़ा डाल दिया। इन लोगों में कुछ तो कूड़ा हाथ से उठा उठा कर चौकी के अंदर डालने लगे। ये देखते ही एक पुलिस वाले ने उन्हें खींचकर बाहर निकाला। इस बीच साथी की पिटाई से नाराज सफाई कर्मियों का गुस्सा बढ़ता रहा। उन्होंने अपनी सफाई वाली गाड़ियों को सड़क पर ऐसे खड़ा कर दिया कि रास्ता ही जाम हो गया। यही नहीं, उन्होंने पुलिस वालों के खिलाफ उनकी मौजूदगी में जमकर नारे लगाए। बात यहीं खत्म नहीं हुई। गुस्से से तमतमाए इन लोगों ने गाजियाबाद के मोदीनगर थाने के गेट पर भी ट्रॉली भरकर कूड़ा डाल दिया। बात बिगड़ती देखकर पुलिस वालों ने इन लोगों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो उस पुलिस वाले को सस्पेंड करने की मांग पर अड़ गए, जिस पर उनके साथी को पीटने का आरोप लगा। या तो वो सिपाही आएगा या माफी मांगेगा या सस्पेंड होएगा। हालांकि बाद में पुलिस के अधिकारियों के कार्रवाई का भरोसा देने के बाद जैम खोला गया और गुस्साए लोगों को शांत किया गया। सौ बात की एक बात यह कि पुलिस कर्मी हो या सफाई कर्मचारी, दोनों महामारी से लड़ाई में फ्रंट लाइन पर तैनात हैं, और अगर ये कोरोना के बजाय आपस में ही जंग लड़ेंगे तो अराजकता ही फैलेगी।